हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एमएलटी जर्नी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे आपकी पीजीआई चंडीगढ़ से न्यू वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें आपका फर्स्ट क्लास डिग्री मास्टर डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी मांगा हुआ है। प्लस अगर आपके पास डीएमएलटी एमएलटी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी हमारे साथ नए जुड़े हों वो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम बात कर रहे हैं पीजीआई चंडीगढ़ की तरफ से, आपका डिपार्टमेंट इसमें रहेगा इंडोक्रिनोलॉजी, आपका डिपार्टमेंट रहेगा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, पीजीएमआर की फुल फॉर्म है चंडीगढ़ इंडिया में जो कि स्थित है। तो एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट इन एनआईसीएमआर फंडेड आपका प्रोजेक्ट रहेगा, उसमें इंटेल्ड असाइनमेंट ऑफ सार्स कोविड सेकेंड स्पेसिफिक मेमोरी टी सेल रिस्पॉन्स टू इन कोविड 19 वैक्सीनेटेड सब्जेक्ट्स विद टाइप 2 डायबिटीज अ लॉन्गिट्यूडनल चौकोट स्टडी में आपका रहेगा। ये आपका प्रोजेक्ट का नाम है। इंटरव्यू बेस अगर रहती है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। प्लस ये रहेगी अंडर डॉक्टर नरेश सचदेवा, प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी पीजीएमए चंडीगढ़ में, इनके अंडर में ये रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारी इसमें पहली पोजीशन है उसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है और क्या डिजेबल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो अगर आपके पास फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी इम्यूनोलॉजी सेल बायोलॉजी सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी इम्यूनोलॉजी सेल बायोलॉजी विथ पीएचडी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। परफॉर्मेंस दी जाएगी वुड बी गिवन टू कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड नेशनल रिसर्च फेलोशिप एग्जामिनेशन CSIR UGC नेट हो गया ICMR JRF हो गया। तो अगर आपने ये नेशनल वाले कर रखे होंगे तो परफॉर्मेंस आपको दी जाएगी। DVT DST इंस्पायर गेट ETC हो गए आपके। तो और डिजेबल में क्या है, एक्सपीरियंस इन इम्यूनोलॉजी मॉलिकुलर बायोलॉजी और सेल बायोलॉजी, पब्लिकेशन इन इंडेक्स्ड जर्नलिस्ट, तो इनको भी परफॉर्मेंस दी जाएगी। सैलरी की बात करता हूँ तो आपका इसमें रहेगा 56,000 रहेगा, 56,000 रहेगा। प्लस इसमें 18% आपको HRA मिलेगा, तो ये 60 से ऊपर आपको सैलरी इसमें पड़ जाएगी। अपर एज लिमिट इसमें क्या रहेगी, तो अपर एज लिमिट इसमें 35 ईयर्स रहेगी ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट सेकंड की पोजीशन, इसमें रहेगी आपकी सिर्फ एक। अगर आपके पास है 12th साइंस विद डिप्लोमा इन MLT DMLT एंड 5 ईयर एक्सपीरियंस इन दी रिलेवेंट सब्जेक्ट फील्ड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजरेबल है एक्सपीरियंस इन इम्यूनोलॉजी मॉलिकुलर बायोलॉजी और सेल बायोलॉजी एक्सपीरियंस मांगा है, और आपको इसमें कुछ सैलरी देखने को मिलेगी 20,000 के पास में। नेक्स्ट इसमें 18% आपको इसमें HRA मिलेगा, ठीक है। और अपर एज लिमिट है इसमें 30 साल है इसमें मतलब की। और नेक्स्ट है इसमें डेट ऑफ इंटरव्यू आपकी क्या रहेगी, तो इसमें रहेगी 4 मार्च आपकी रहेगी एट द टाइम ऑफ, ठीक है। और 4 मार्च तक आपकी इंटरव्यू के टाइम एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपकी डेट अपर एज लिमिट काउंट होगी, तो 4 मार्च को आप जा सकते हैं 1 बजे तक मंडे को। प्लस आपको अप्लाई कैसे करना, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कैंडिडेट शुड ईमेल सबमिट देयर डिटेल बायोडाटा इन दी ऑफिस ऑफ दी अंडर साइन बिफोर 1/3/2023 1 मार्च तक आप कर सकते हैं। ऑल दी शॉर्ट लिस्ट करने विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये मैं पूरी PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, ठीक है। तो ऐसे ही मोर अबाउट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपको टेलीग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, उसे फॉलो कर लीजिएगा। उसी के नीचे आपको इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। हम मोर अबाउट इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहते हैं। थैंक यू।